हेलो एवरीवन, मैं सचिन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें आप सीखेंगे सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ यानी कि कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। बड़ा समस्याएं आती हैं बच्चों के साथ कि कंसंट्रेशन इज वॉट। तो सबसे पहले एक वर्ड सीखना है, कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। सिंपली अगर शब्दों में बताएं आपको, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन को बनाने में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट अमाउंट इज नोन एज कंसंट्रेशन, है ना। तो कंसंट्रेशन के कितने मेथड्स होते हैं, कितने तरीके से कंसंट्रेशन को निकाला जाता है, तो हम सीखने वाले हैं इसमें 10 मेथड सीखेंगे आपके कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 10 मेथड प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है परसेंटेज बाय मास, यानी कि W बाय W परसेंट। दूसरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तीसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। चौथा है ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। पांचवा आएगा मोलरिटी। नेक्स्ट आएगा मोलरिटी, देन नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। आइए बात करते हैं वन बाय वन एक एक टॉपिक पर। सबसे पहले हमारे तीन यूनिट की बात करूंगा, हालांकि इसमें कोई न्यूमेरिकल काम में नहीं आता है, बट हमें न्यूमेरिकल करने के लिए इन तीनों टर्म की बहुत जरूरत होती है। यानी कि इन टर्म्स को हमें सिर्फ समझना है, रटना नहीं है। समझने से हमारे न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सॉल्यूट सॉल्वेंट का डाटा सेपरेट करने का भी काम में आता है। तो पहली तीन यूनिट पे बात करेंगे जो कि हमारे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ न्यूमेरिकल नहीं आएगा इसके लिए, लेकिन न्यूमेरिकल के डाटा में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास परसेंटेज बाय मास, यानी कि डब्ल्यू बाय डब्ल्यू परसेंट। डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज द डेफिनेशन। इसमें तीनों के लिए कॉमन पैटर्न बता रहा हूं। जो वर्ड पहले दिख रहा है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिख रहा है, बी बाई बी दिख रहा है, या डब्ल्यू बाई वी दिख रहा है, तीनों में कॉमन चीज बता दूं कि पहला जो वर्ड है ना वो रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को, देन अगला वर्ड रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूशन को। ध्यान देना, पहला सॉल्यूट होगा देन सॉल्यूशन होगा। आइए बात करते हैं डेफिनेशन की। परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो कि वेट की फॉर्म में होते हैं, मास की फॉर्म में होते हैं, उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको मास के टर्म्स में कैसे कंसंट्रेशन को बता सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे हम इसके थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटी सी डेफिनेशन की, रटना नहीं है, बड़ा ध्यान से समझना है। देखिए परसेंटेज बाय मास को हम बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपको चूंकि बात परसेंटेज की बोल रहा है तो 100 का यूज करेंगे आप लोग। अगर आप लोग 100 का यूज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि परसेंटेज मीन्स फॉर 100। तो डिफाइन पर एक बार फिर दोबारा ध्यान दीजिए कि व्हाट इज द मास परसेंट, कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम आसानी से इसका फॉर्मूला ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको हम ग्राम लगा सकते हैं, और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक और चीज, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। हमें कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना न्यूमेरिकल करते में, हमको हर चीज को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बात करनी है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम लोगों के लिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का टाइम बचाती है, फॉर्मूले को काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं, टर्म्स को फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो हम लोग एक और चीज़ ध्यान देने वाले हैं, सारे फॉर्मूलों में काम करेगी, जितने फॉर्मूले हम पढ़ेंगे सब में ये टर्म्स काम करने वाले हैं। दो चीज़ें बतानी हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। पुरानी वाली वीडियो में हमने आपको बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, लेकिन यहाँ सिर्फ एक छोटा सा सजेशन है हमारे लिए कि ए, कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को,
कैपिटल बी रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को। हमारे सभी फॉर्मुलों में अगर आपको ध्यान देना होगा पूरे सॉल्यूशन टॉपिक में कि ए रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट और बी रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट। चलिए तो बाय मास को अगर हमें परसेंटेज बाय मास को यदि एक्सप्लेन करना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, तो देखिए मास डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट करा सॉल्यूट और डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है मास, यानी कि मास डब्ल्यू बी हो गया सॉल्यूट का, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मतलब सॉल्यूशन। आप जानते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिला के बनता है सॉल्यूशन, यानी कि इस फॉर्मूले को हम आसानी से लिख सकते हैं डब्ल्यू बी रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन, देन सिमिलरली मल्टीप्लाई विद 100। उम्मीद करता हूं परसेंटेज बाय मास आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। देन बात करते हैं आगे दूसरा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सिंपल जैसे डेफिनेशन भी आपने सीखी, सिंपल वही डेफिनेशन हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि पहले बात की थी हमने मास के टर्म में और अब बात करने वाले हैं वॉल्यूम के टर्म में, यानी कि ये यूनिट आप इस्तेमाल करने वाले उन सॉल्यूशंस के लिए जो लिक्विड फेज में होते हैं, यानी कि लिक्विड के लिए एक्सप्लेन करेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम से। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना, हाउ मच पार्ट इन वॉल्यूम, यानी कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज बाय मास। ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिमिलर फॉर्मूला बनेगा, कुछ टर्म्स चेंज हो जाएंगे। इसकी बात करते हैं हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, तो क्या बनेगा VB मतलब B रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तीसरे फॉर्मूले में बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। पहला टर्म क्या बोला यार आपको, वेट बाय वॉल्यूम, यानी सॉल्यूट ग्राम में होगा मतलब सॉल्यूशन किस में होगा, ml में होगा। बिल्कुल सही, यानी कि डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ग्राम एंड सॉल्यूशन कितना होगा 100 पार्ट्स बोलूंगा, और यह चूंकि वॉल्यूम लगा हुआ है तो 100 ml, यानी इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स या 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट आप ग्राम में रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सिमिलर तरीके से मल्टीप्लाई 100। इसको भी हमने सिमिलर तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया है, डब्ल्यू बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। देखिए इनको समझना बहुत जरूरी है, मैं दोबारा से बात करूंगा इन पे पर्टिकुलरली। अगर कहीं लिखा हुआ है हमारे पास 20% वेट बाय वेट, यानी कि बाय मास लिखा हुआ है, तो आप लोगों को डाटा निकालने की जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। 20% बाय मास का मतलब क्या है, ये सॉल्यूट रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट को, यानी कि 20 ग्राम सॉल्यूट हो गया और इसमें 100 ग्राम क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। देन अगर आप माइनस करेंगे तो 80 ग्राम इसमें सॉल्वेंट हो जाएगा। तो हमें कभी भी इस डाटा से सॉल्यूट सॉल्वेंट कभी फाइंड आउट करना पड़े तो यह हमें काफी आसानी से डाटा को प्रोवाइड कर देता है। देन अगर सिमिलरली इसकी जगह बी बाई बी कर दें तो यह सारा डाटा ग्राम से हटके ml पर पहुंच जाएगा, और ऐसे ही w बाई v की बात करें तो सॉल्यूट रहेगा ग्राम में और वॉल्यूम रहेगा सॉल्यूशन का ml में। जैसे कहीं लिखा हुआ है 13% वेट बाय वॉल्यूम, आप आसानी से बता सकते हैं सॉल्यूट होगा 13 ग्राम हो जाएगा यहां पर सॉल्यूट, और 100 ml, बात ध्यान सुनना ml की बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को परसेंटेज वाली बात समझ में आ गई होगी। परसेंटेज का सिंपल सा अर्थ होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस प्रेजेंट पर 100, यानी कि 100 पार्ट्स में कितना अमाउंट प्रेजेंट है। देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पर
चौथी यूनिट आती है ग्राम पर लीटर, जैसा आप नाम सुन रहे ना, ग्राम पर लीटर, ध्यान से सुनिएगा, ग्राम पर लीटर, यानी सॉल्यूट होगा ग्राम में और सॉल्यूशन होगा लीटर में। क्या बात है, देखिए तो ग्राम पर लीटर डेफिनेशन बड़ा आसान हो गई। देखो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहले देखो फॉर्मूला बता दिया, अब देखो डेफिनेशन कैसे होती है। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अब बात करते हैं इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं आप लोग, मास ऑफ सॉल्यूट कैसे करेंगे, डब्ल्यू वी है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चूंकि दो चीजें होती हैं तो वी ए प्लस वी बी, ध्यान देना ये लीटर में है और ये ग्राम में है। प्रॉब्लम क्या आती है कि सॉल्यूशन के जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें कभी भी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में नहीं होता है, 95% वो हमेशा मिलीलीटर में होता है। तो हम अपने फॉर्मूले को डायरेक्ट कर लेते हैं किसके लिए, एमएल के लिए। ध्यान दीजिएगा अगर डब्ल्यू बी हमने यहां लिखा सिमिलर तरीके से ग्राम में रहा, देन वॉल्यूम को हमने सेम लिखा वी ए प्लस वी बी, अगर ये एमएल में हो गया तो ध्यान देना फॉर्मूले जो डेफिनेशन उसको हम चेंज नहीं कर सकते, अगर ये एमएल में दिया है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अगर कंसेप्ट आप लोगों को आता है जब आप डिवाइड करेंगे 1000 से तो 1000 कहां पहुंच जाएगा, 1000 आ जाएगा आपका ऊपर, है ना, यानी कि हमने ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ की फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया मिलीलीटर में। और आप लोगों को छोटी सी चीज और बता दें कि इस फॉर्मूले से हमें थोड़ा एक कन्वर्जन और कर सकते हैं जो हमें न्यूमेरिकल में काफी हेल्प कर सकता है। देखिए छोटा सा काम और करने वाले हैं आप लोगों के लिए, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ग्राम में है अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू, इस 1000 को इंटू हमने क्या किया, चलो ध्यान से देखना, केवल एक चेंज किया है, इस 1000 को लिखा 100 into 10, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जरा ध्यान से देखना डब्ल्यू बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100, जरा ध्यान दीजिए किस फॉर्मूले से मैच करता है, ये देखिए क्या है, ये है आपका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि स्ट्रेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10। एक शॉर्टकट आ गया कि यदि किसी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है तो केवल 10 का मल्टीप्लीकेशन करने के साथ आप ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, या अगर मैं 10 का डिवाइड कर दूं स्ट्रेंथ दी हो तो आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट आसानी से निकाला जा सकता है। देन अब तीन यूनिट के बाद चौथी यूनिट हमने एक्सप्लेन कर ली है, देन अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट यूनिट जिसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को काफी ज्यादा काम में आते हैं, बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट में। ये यूनिट है आपकी मोलरिटी और मोलिटी। इस टॉपिक में हम लोग मोलरिटी और मोलिटी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और सीखेंगे कि मोलरिटी मोलिटी को न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों बड़ा कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा अंतर रहता है। देखिए क्या रहता है कंसेप्ट बात करेंगे हम लोग मोलरिटी, ये सिंबल ध्यान देना इसका कैपिटल एम, सिंबल क्या है कैपिटल एम, बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि मोलरिटी मोलरिटी में कैसे डिस्टिंक्शन करना है, जब ध्यान सुनिएगा मोलरिटी रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एम से और इसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला एक बार फिर सुनिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड मोलरिटी। आइए इसकी डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले पर। देखिए कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट समझ रहे हैं आप लोग, देन या लिखने वाले हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें लीटर में, ठीक है।
हम बात करेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में काफी आसानी मिलने वाली है। तो क्या करने वाले हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, यस मास अपॉन मोलर मास, शाबाश। तो देखिए मास को रिप्रेजेंट कर दिया WB अपॉन MB, क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स को हमने तोड़ा WB ओवर MB, B रिप्रेजेंट करता सॉलिड को, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 अपॉन V, वो भी किसमें है लीटर में। हमारे साथ फिर वही समस्या आती है कि हम लोग लीटर में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो आइए कन्वर्ट करते हैं इसको ml में। तो ध्यान दीजिएगा WB अपॉन MB इनटू, अगर ये वॉल्यूम ml में कर दिया जाए तो ml को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में आएगा ना, तो जब आप इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो कहां पहुंचेगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला बन जाता है मोलैरिटी का, सबसे ज्यादा यूज होता है। छोटे छोटे टर्म्स फाइंड करिए, आसानी से आप लोग मेरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं, देखो हम लोग इसमें एक और नया फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। देखिए 1 अपॉन MB को हमने क्या किया, बाहर किया, ठीक है। WB अपॉन, ध्यान देना V इन ml क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन को हम VA प्लस VB नहीं लिख सकते, यस भाई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आप VA प्लस VB मतलब सॉलिड प्लस सॉल्वेंट लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अब क्या करने वाले, 1000 के टुकड़े करने वाले हैं, 1000 के टुकड़े किए 100 × 10, जरा ध्यान देना ब्रैकेट कहां लगा रहा हूं, यहां और यहां, क्या बनता है मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन MB इनटू WB अपॉन VA प्लस VB इनटू 100 × 10। तो पहले इस ब्रैकेट की बारे में बात करते हैं, ये बनता है आपके पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और ये बाहर आ जाता है 10। और अभी पीछे का ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये ड्राइव हो जाता है, एक फॉर्मूला और कन्वर्जन में आएगा 1 अपॉन MB, बेटा ध्यान दो WYB परसेंट इनटू 10 क्या होता है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, यानी कि मोलैरिटी के हमारे पास इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ फॉर्मूला आ गया और साथ में WYB के टर्म्स में आ गया, दिस इज द मोलैरिटी, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है जिसका नाम होता है मोलैरिटी, चलिए बात कर लेते हैं मोलैरिटी पे, यूनिट नंबर 6 पर बात करते हैं मोलैरिटी, यानी कि स्मॉल m, बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों आप लोगों को कि कैपिटल m और स्मॉल m में क्या करना है, बड़ा ध्यान से सुनना है, छोटा सा अंतर ध्यान देना, इस पर सर्कल कर लो इसको, क्योंकि यही एक यूनिट है जो सब में 10 की 10 यूनिट में बिल्कुल अलग है, मतलब थोड़ा परेशान करती है, छोटी सी एक बात याद रखनी है, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। मोलैरिटी मतलब डेफिनेशन सिमिलर है, एक चीज का ध्यान रखना 10 यूनिट पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, सबके लिए सॉलिड ऊपर आएगा सॉल्यूशन नीचे आएगा, केवल एक यूनिट ऐसी है जिसमें यहां पर सॉलिड और सॉल्यूशन का रेशियो नहीं चलता है, यहां पर सॉलिड वर्सेस सॉल्वेंट चलता है, ध्यान से सुनिएगा बार बार बोल रहा हूं, सॉलिड वर्सेस सॉल्वेंट ओनली इन मोलैरिटी, इसलिए यूनिक है, ध्यान देना। इसकी डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं पहले, व्हाट इज द मोलैरिटी, डेफिनेशन सिमिलर रहेगी, थोड़ा सा ध्यान देना है, रटना नहीं है, सुन के समझना है तब आगे चलना है। देखिए इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देना। डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, डेफिनेशन के बाद हम लोग बात करते हैं इस पर, तो ये क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पे आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में, ठीक है। इसका कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, यहां हम लोग बात करने वाले हैं WB अपॉन MB, क्या हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू, ये क्या कर दिया WA को रिप्रेजेंट किया सॉल्वेंट है और ये केजी में था, मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया
और ये रह गया आपका एक फाइनल फॉर्मूला बन गया। ये दोनों बॉक्स वाले जितने भी फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देन 6 यूनिट 17 यूनिट पर बात करते हैं नॉर्मेलिटी। कुछ लोग कहते हैं नॉर्मेलिटी क्लास 12 में सिलेबस में नहीं है, क्लास 11 सिलेबस में नहीं है, बट ऐसा नहीं है, आप लोगों को जरूरत पड़ने वाली है थ्योरेटिकल में भी, और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को हो सकता है टाइट्रेशन के दौरान नॉर्मेलिटी की टाइट्रेशन कराई जाए, इट मे बी पॉसिबल। सो हम लोग सीख लेते हैं, सबसे लेंथी यूनिट पर बात करेंगे। नॉर्मेलिटी सीखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, आइए बात करते हैं। तो नॉर्मेलिटी एक सिमिलर यूनिट होती है और काफी बेहतरीन है सीखने में, इसको ध्यान देना है। तो हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको और उसके बाद बात करते हैं नॉर्मेलिटी पे। नॉर्मेलिटी में आप लोगों को कुछ नए नए टर्म्स मिलेंगे, बड़ा नए नए टर्म्स, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, देखते हैं क्या है। देखिए यूनिट नंबर 7 है नॉर्मेलिटी। यस, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन, सिंबल पर बड़ा इसे ध्यान देना। इनकी अभी यूनिट भी रह गई है, वो भी बता देता हूं, एक दो क्वेश्चन और बनता है डेफिनेशन से, वो भी बताते हैं। चलिए, तो नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन कहती है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। क्या बोल गया, जरा ध्यान सुनिएगा। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आइए बात करते हैं क्या बीमारी है ग्राम इक्विवेलेंट्स की। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, एक नई बीमारी आ गई। अभी तक तो आप लोग सीख रहे थे नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं, लेकिन ये क्या बीमारी आ गई, बात करेंगे इसके बारे में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें, लीटर में, 3 21 कॉमन है तीनों में, कि यहां पर मोलरिटी में बी वॉल्यूम लीटर में आता है, मोलरिटी में मास सॉल्वेंट का केजी में आता है, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यानी कि लीटर में। ठीक है, अब बात करेंगे इक्विवेलेंट सीख लेते हैं, एक्चुअली क्या है इक्विवेलेंट्स, है ना, इस पर बात करते हैं। देखिए ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ध्यान दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब एक और नया टर्म आ गया, इससे छुटकारा मिला नहीं, एक और नया वर्ड आ गया, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए एक हमारा ये हैशटैग और एक अगला, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट में बात करेंगे आप लोगों से, इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ध्यान देना, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, सर एक और नया आ गया एन फैक्टर। चलिए बात करते हैं, पहले फॉर्मूले को अरेंज कर लेते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, उसके बाद एक अभी आपका डाउट रह गया एन फैक्टर में बताता हूं आप लोगों को। देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आया, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मैं बात करूंगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, क्यों आएगा अभी आप समझ जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम को मैंने कन्वर्ट कर दिया है एमएम में, मैं स्टार्टिंग बता चुका हूं, क्यों डिवाइड करना पड़ता है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाता है। देन इसको अभी और तोड़ लेते हैं, और तोड़ते हैं क्या मिलेगा आपको यहां पर, या नीचे लिखते हैं तो बेटर रहेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन, ध्यान दीजिएगा ये क्या था, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या आया, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, तो मोलर मास को भी रिप्रेजेंट कैसे किया था एमबी से, और एन फैक्टर को हमने डिवाइड की वजह से कहां ले लिया ऊपर, इनटू 1000 अपॉन वी इन एमएल, पूरी तरह से फॉर्मूला टूट चुका है। अब ध्यान दीजिएगा फाइनल, कैपिटल एन इज इक्वल टू, इसको मैं अगर ब्रैकेट में बंद कर दूं तो ये आपको याद आ रही होगी
WB upon MB 1000 upon V number of moles of solute in 1 liter of solution यानी कि मोलरिटी एक रिलेशन ड्राइव हो जाता है कैपिटल N is equals to small n into कैपिटल M ये रिलेशन आता है मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में अब आपके थोड़ा सा डाउट भी क्लियर करते हैं एक अभी आपका बचा हुआ है N फैक्टर चलिए फॉर्मूले को याद रखिएगा ये फॉर्मूला आपके सबसे ज्यादा काम में आने वाला है नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है और अगर रिलेशन कहीं एक साथ निकालना पड़े मोलरिटी और नॉर्मलिटी तो आप लोग काफी टाइम बचा सकते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चलिए हाँ भाई तो N फैक्टर की बात कर लेते हैं बड़ा टेंशन देता है N फैक्टर बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर आपको दिया जाता है तो उसके अंदर कैटाइंस भी होते हैं और एनाइंस भी होते हैं एक और चीज आयनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों ही बराबर होते हैं ठीक है चलिए तो N फैक्टर होता है किसी भी कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड में कितना पॉजिटिव चार्ज है कितना नेगेटिव चार्ज है दोनों में से किसी भी एक चार्ज को आप उठाइए और वही आपका केवल मैग्नीट्यूड लीजिए वही होगा N फैक्टर चलिए बात कर लेते हैं कैसे देखिए मैंने लिया NaCl आप जानते हैं Na पॉजिटिव होता है Cl नेगेटिव होता है यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वन है कोई एक उठा लीजिए यहां पर N फैक्टर की वैल्यू आएगी 1 नोट कर लीजिएगा अगर हमने लिया MgCl2 ध्यान दीजिए हम जानते हैं मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2 और क्लोरीन पे चार्ज होता है क्लोराइड पे -1 तो देखिए +2 इस पे खुद पे और यहां -1 एक क्लोराइड पे दोनों पे कितना हो जाएगा -2 यानी +2 और -2 यानी कोई भी एक चार्ज आप उठा के रख लीजिए N फैक्टर कितना होता है 2 अगला देखो NaOH ध्यान दीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये +1 होता है ये -1 यानी N फैक्टर कितना होगा 1 आई होप समझ गए होंगे एक और एग्जांपल देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कितना चार्ज होता है कैल्शियम पे +2 कार्बन पे चार्ज कितना होता है -2 ये होता है +2 और ये होता है -2 यानी कि इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा बोलिए शाबाश 2 हो जाएगा समझ में आया ना दिस इज द N फैक्टर चलिए एक और बात कर लेते हैं क्या आप लोग बता पाते हैं इसका N फैक्टर जरा दिमाग पे जोड़ दीजिएगा गलत नहीं होना चाहिए फाइंड आउट कीजिए Al2O3 इसका N फैक्टर बताइए सोचिए गलती मत करना टोटल या तो पॉजिटिव चार्ज टोटल या तो नेगेटिव चार्ज ध्यान दीजिए यानी कि एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है ऑक्साइड पे -2 क्या सर आपने तो बताया था पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होता है अरे हाँ भाई होता है जब ध्यान दो नंबर ऑफ एटम काउंट करो यहां पे नंबर ऑफ एटम कितने 2 तो 3 × 2 ये होता है +6 यानी ध्यान दो -2 चार्ज हो जाएगा और नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3 या हो गया -6 आ गया कि नहीं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर यानी कि हमें केवल कंसीडर करना है मैग्नीट्यूड यानी कि N फैक्टर कितना होता है ओनली 6 ठीक है चलिए ये आपका कंप्लीट होता है नॉर्मलिटी ठीक है इन सब की यूनिट में बात कर लूं मोलरिटी और नॉर्मलिटी में बात कर लेता हूं यूनिट पे अगर मोलरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो उसके लिए हम यूनिट की भी अगर बात करें तो कैपिटल M लिख देते हैं सिंपली या मोल पर लीटर लगा लेते हैं सिमिलरली बात करें मोलरिटी की तो मोलरिटी की स्मॉल M यूनिट लगा देते हैं या मोल पर केजी लगा लेते हैं और ऐसे ही नॉर्मलिटी की यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिट आप लोग कैपिटल N लगा के छोड़ सकते हैं क्योंकि बिना यूनिट के आपके न्यूमेरिकल के मार्क्स नहीं मिलते हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है ध्यान रखिएगा इस चीज का चलिए नॉर्मलिटी के बाद बात करते हैं बहुत अजीबोगरीब फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन चलिए सीखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है इस बारे में आप लोगों के साथ बात करने वाले हैं कि मोल फ्रैक्शन एक सिंबल दिख रहा होगा आप लोगों को कुछ बच्चे से काई कहते हैं कुछ बच्चे से एक्स मानते हैं तो चलिए इसको रियल में बोलते हैं काई तो एक लैटिन वर्ड है काई चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की दिस इज द मोल फ्रैक्शन क्या होता है मोल फ्रैक्शन सिंबल का विशेष ध्यान रखिएगा सिंबल कैसे बनाते हैं
देखिए छोटा वाला एक्स बनाते हैं, उसका एक हाथ आपको राइट हैंड साइड वाला थोड़ा सा लंबा करना है, इसको बोलते हैं काई, कैसे के ए आई काई बोलते हैं, ठीक है। चलिए बड़ा डेफिनेशन पे पहले बात करेंगे, इस पर सिंपल सी चीज है, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है, फॉर्मूला अगर तैयार है न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है। देखिएगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, जिस कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन निकालने की, उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स रेशियो निकालेंगे टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ। जरा देखिए समझिए, सपोज मैं यहां पे बात करूंगा फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि बाइनरी सॉल्यूशन हमने क्या बताया था, यस थोड़ा सा रिकैप करिए, बाइनरी सॉल्यूशन बताया था पिछली वाली वीडियो में कि बाइनरी का मतलब होता है दो, दो मतलब इसके अंदर दो ही कंपोनेंट होंगे। तो चलिए यहां पे हम मान लेते हैं ए और बी हमने कंसीडर किए दो कंपोनेंट, हमने बोला मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे सिर्फ ए कंपोनेंट का यानी कि सॉल्वेंट का, सपोज आप कर सकते हैं, तो यहां बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्या बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, इस कंपोनेंट का मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन बाइनरी है तो इसके लिए केवल दो ही कंपोनेंट है, ये दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं काई बी यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, आई होप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की बात करूंगा उसका नंबर ऑफ मोल्स रेशियो निकलेगा टोटल सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के साथ। आई होप क्लियर होगा, एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सॉल्यूशन में चाहे दो कंपोनेंट हो चाहे तीन कंपोनेंट हो, इनके मोल फ्रैक्शन का जो सम आता है वो टोटल कितना होता है, काई ए प्लस काई बी, वो हमेशा वन के बराबर आता है, किसके बराबर आता है वन के। बात करते हैं हम लोग दो कंपोनेंट के बाद तीन कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा तीन कंपोनेंट के लिए आपको सेम डेफिनेशन से आप लोगों को ध्यान देना है कि जिस कंपोनेंट का आपको नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखना है और रेशियो में रखना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो डेफिनेशन थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ए बी और सी, और सिमिलरली बात कर लेते हैं तीसरा यहां पर सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी ए बी और सी। इंपॉर्टेंट बात यहां भी बात करते हैं कि यहां मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का दूसरे वाले कंपोनेंट का और ये तीसरे वाले कंपोनेंट का सम वन के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, टोटल आपके पास सम मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट का हमेशा वन होता है चाहे कितने भी कंपोनेंट हो जाए। देन इसके बाद आगे बात करते हैं फॉर्मेलिटी की, क्या होती है फॉर्मेलिटी, नाम दिख रहा होगा आप लोगों को, सुनाई दे रहा है फॉर्मेलिटी, यानी कि इसकी वाकई ही प्रॉपर फॉर्मेलिटी ही है, ठीक है। तो बात करते हैं सेकेंड लास्ट यूनिट है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी में सिंबल होता है कैपिटल एम। बात बता दूं कि फॉर्मेलिटी और मोलरिटी बोथ आर द सेम, एक्चुअल में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और नंबर ऑफ आयंस होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है फॉर्मेलिटी, अगर मॉलिक्यूल होते हैं तो वहाँ यूज होता है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, बट आयंस के केस में आप लोग कभी भी मॉलिक्यूलर मास को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बात करते हैं आप लोगों के साथ फॉर्मेलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल F इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए छोटा सा अंतर है, वहां नंबर ऑफ मोल्स आता था या नंबर ऑफ फॉर्मूला मास आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था मास अपॉन मोलर मास, यहां नंबर ऑफ फॉर्मूला मास क्या होगा मास अपॉन फॉर्मूला मास, ध्यान देना मैं इसको कवर कर देता हूं, डब्ल्यू बी अपॉन फॉर्मूला मास को मैंने लिखा एफ बी फॉर्मूला मास है ना इनटू ये 1000 आपको पता है क्यों आया, ये हो गया ml, यानी कि
हम ध्यान दें कि मोलरिटी में क्या आता था, Fb फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अगर Mb के बराबर हो जाए, यानी कि मोलरिटी और फॉर्मेलिटी क्या होती है, दोनों सेम हो जाती है, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा सेम। आखिरी टॉपिक पर बात करते हैं PPM। तो PPM की फुल फॉर्म क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन, ध्यान दीजिएगा ये आपकी आखिरी यूनिट है और इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो थ्योरी में पूछा जाता है बोर्ड में एक नंबर में, ठीक है ध्यान दीजिएगा सुनना बड़ा ध्यान से। बात करते हैं टेंथ यूनिट है आपकी PPM। PPM मतलब पार्ट्स पर मिलियन, जरा ध्यान सुनिएगा पार्ट्स पर मिलियन यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट मिलियंस में अगर एक्सप्रेस किया जाए, मतलब मिलियन के टर्म्स में, पार्ट्स पर मिलियन मास या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन मिलियन ऑफ या वन मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ओके ध्यान दीजिए PPM की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अगर हम मिलीग्राम में लेते हैं अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट आपका आता है इन 10 की पावर 6 पार्ट। देखिए 10 की पावर 6 पार्ट के लिए हम एक और चीज लिख सकते हैं, इसको हम 1 लीटर भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम वॉल्यूम के टर्म में बता सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी लीटर में, क्योंकि एक्चुअल में पता है आप लोगों को कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो एक्चुअल में वहां पर क्या बनेगा इस तरह से 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, यानी कि 1 किलो में कितना हो गया 1 kg इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मिलीग्राम, यानी कि 10 की पावर 6 पार्ट से रिलेशन रखता है, सिंपल वे बोल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कर सकते हैं, सिमिलर पॉइंट इससे कंपेयर करके या 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन और करके हम देख सकते हैं PPM को कि मास ऑफ सॉल्यूट यहां पर ग्राम में लेके चल सकते हैं है ना, तो मास यानी 10 की पावर 6 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपको केवल 10 की पावर 6 यानी कि 1 मिलियन पार्ट्स की बात करनी है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात किस जगह आके यूज किया जाता है PPM, एयर पोल्यूशन हो गया दिल्ली में कहीं भी, अगर एयर पोल्यूशन यानी कि एक बड़ी यूनिट जहां पे होती है, बड़े सॉल्यूशंस बड़े मिक्सर्स होते हैं वहां पर आप लोगों को इस्तेमाल करना है आपका पार्ट्स पर मिलियन। चलिए ये आपकी थी आखिरी यूनिट और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मोलरिटी कैपिटल एम और छोटा वाला एम इनमें से कौन सा यूनिट बेस्ट है किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। आप लोगों को बेस्ट यूनिट का मतलब समझना चाहिए कि जो यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, ध्यान देना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, यानी कि आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है मोलरिटी, यानी कि बेस्ट यूनिट होती है। ध्यान देना 10 यूनिट में आपके पास जिन यूनिट में वॉल्यूम नहीं आता है, ध्यान देना वॉल्यूम नहीं आता है वो सभी यूनिट आपकी बेस्ट यूनिट रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होने वाली यूनिट का कभी भी कंसंट्रेशन बदला नहीं जाता है, कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा हमेशा की तरह सेम रहते हैं। अगर हम मोलरिटी लेके चलते हैं तो टेम्परेचर बदलने के साथ उसकी कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी बदल जाया करती है, ध्यान देना। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन कवर हो गया, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी यूनिट बेटर है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, चाहे एमसीक्यू में हो वेरी शॉर्ट में हो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है, पर हम लोगों को अपने सवाल का जवाब भी देना है, ठीक है। ये होता है हमारी वीडियो का इसमें आखिर समाप्त करते हैं, आगे आपके लिए लेके आने वाले हैं न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियोस, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियोस को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और ज़्यादा कीजिए,
थैंक यू।